राजधानी के पंडरा थाना क्षेत्र के जनक नगर में अहले सुबह डबल मर्डर की घटना से दहशत फैल गई। अपराधियों ने बेरहमी से भाई बहन की हत्या कर दी। मृतकों में 17 साल की श्वेता सिंह और 14 साल के प्रवीण कुमार उर्फ ओम शामिल हैं। वहीं अपराधियों के हमले में दोनों मृतकों की मां चंदा देवी बुरी तरह से घायल हुई हैं। चंदा देवी का रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। अहले सुबह दिया गया घटना को अंजाम। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह लगभग 4 बजे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि हत्याकांड के पीछे की वजह प्रेम प्रसंग है। मृतक श्वेता और परवीन की मां जो बुरी तरह से घायल है, उन्होंने पुलिस को ये बयान दिया है कि उनकी बेटी के प्रेमी ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार सुबह 4 बजे 3 की संख्या में हत्यारे चंदा देवी के घर पहुंचे और दरवाजा नॉक किया। श्वेता के दरवाजा खोलने पर हत्यारों ने हथौड़े से तड़बा तोड़ उस पर उसके भाई परवीन और मां चंदा देवी पर हमला कर दिया। इस हमले में श्वेता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां और भाई बुरी तरह से जख्मी हो गए। मां और बेटे को मरा हुआ समझ दोनों हत्यारे छत के रास्ते से फरार हो गए। हमारी बेटी है। पूरा मामला बताइए, क्या क्या हुआ है? सुबह में 5:30 बजे के आसपास मुहाले के लोग हमको जाके बताए कि चंदा के घर में खून गिरा हुआ है। दौड़ के आए, अंदर से गेट सिटकनी बंद था, चैनल खुला था, तो धक्का मारे, गेट खुला तो देखे मत, हमारी बेटी और नातिन यहीं पर पड़ी हुई है। प्रवीण कुमार हमारा नात है, वो अंदर रूम मैं पढ़ा हुआ था। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।